दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा क्लास 10th की मैथमेटिक्स में स्टैटिक्स चैप्टर पर आधारित है। तो आइए, इस वीडियो में हम स्टैटिक्स चैप्टर में मीन, मीडियन, मोड फाइंड करना सीखेंगे। सो डियर, लेट अस स्टार्ट एंड एंजॉय दिस वीडियो। स्टैटिस्टिक्स मेथड फॉर मीन, मीन हमें फाइंड करना है तो उसके लिए क्या मेथड्स हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज PPM। तो दिस इज द मेजरमेंट, दैट इज यूनिट। The data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below. So here is the concentration of SO2 in PPM. This is given that 0.002, 0.04, 0.04 to 0.08 and so on up to 0.202, 0.24. And the frequencies is given, that is 4, 9, 9, 2, 4 and 2. Frequencies मतलब जो SO2 का concentration है वो 4 cities में इतना है, 9 cities में 0.04 से 0.8 और इसके साथ दूसरे 9 city में 0.08 से 0.12 है। तो ये फ्रीक्वेंसी है। आपको क्या करना है, फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। एयर में कितनी SO2 है, SO2 गैस होती है, तो ये गैस कितनी एयर में मिक्स है ये हमें फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। ये जो एवरेज है सभी सिटीज़ में उसका मीन फाइंड करना है कि उसका एवरेज लगभग कितना होगा, उसको हम बोलेंगे मीन। So dear, you know that mean, that is XR, this is the symbol of mean, A plus sigma Fi into Ui divided by sigma Fi, this is the formula. And in this formula, you know that this A is assuming mean and sigma Fi, Fi means this is the frequency of all cities and Ui you will find by calculation and then multiply. After that, you will add. And sigma Fi means sum of the frequencies and already this is given that 30 localities. तो sum आपको पहले से ही दिया हुआ है, sigma Fi means this is 30. Otherwise, if it is not given, then you can find the total of this frequency. You will get just like that 30. अगर नहीं भी दिया है तो इसका आप total पता कर लेंगे, और अगर यहाँ पहले से ही दिया है so no need to find the addition of this frequency. So let us start, how can you find the solution of this question? Okay dear, first of all you will construct the table just like that. इस तरह से आप एक टेबल बना लेंगे, ओके okay? और इसमें क्लास इंटरवल जो आपको दिया हुआ है, क्लास इंटरवल मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ SO2, तो आप वहां पे लिख सकते हैं दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ SO2। Okay, and this is frequency, so you can denote it by Fi. Okay, now you will write the all given things. Here is given things, you can see that 0.00 to 0.04 means double digit of the decimal number. So you will write here just like that 0.00 टू 0.04। एक बार इसको फिर से एडजस्ट कर लेते हैं, 0.002 0.004। दिस इज द फर्स्ट क्लास इंटरवल, ओके। आफ्टर दैट द सेकेंड क्लास इंटरवल इज गिवन हियर 0.042 0.08 एंड नेक्स्ट 0.082 0.12
and 0.122, 0.16, after that 0.162, 0.20, and 0.202, 0.24. ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, 0.24 तक आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप वो चीज़ लिख लेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आप देखिए क्या क्या है, 499242, तो आप वो भी लिख लेंगे, इसी के सामने ही लिखना है। सो लेट अस वी विल राइट दिस 499242। तो ये क्वेश्चन में आपको गिवन था, वही चीज़ आपने यहाँ पे लिखी हुई है और अपनी तरफ से आपने कुछ नहीं किया। आफ्टर दैट यू विल फाइंड द क्लास मार्क, दैट इज XI, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज क्लास मार्क। क्लास मार्क फाइंड करेंगे और इसे हम डिनोट करेंगे XI से। तो क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, यू विल ऐड दीज टू लोअर लिमिट एंड प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई टू। सिमिलरली हेयर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई टू एंड देन लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट एंड डिवाइड बाई टू। बट हियर यू कैन सी हेयर द क्लास इंटरवल, दैट इज डिफरेंस, दैट इज क्लास साइज इज गिविन हेयर 0.04। मीन्स अगर आप किस अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तो कितना डिफरेंस मिलेगा, 0.04। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एच। ओके, सो व्हाट टू डू, यस दिस इज यू विल गेट 0.02 एंड अगेन यू कैन ऐड दिस क्लास साइज दैट इज 0.4 इन द फर्स्ट XI, दैट इज X1 की वैल्यू में आप ये वैल्यू ऐड करेंगे तो आपको बार बार प्लस करके यहाँ पे और डिवाइड करके नहीं करना पड़ेगा। देखिए पहले प्लस कर लीजिए, कितना होगा 0.04 प्लस 0.08 कितना आ जाएगा 0.12, और 12 का हाफ करेंगे तो 0.06 आएगा। और अगर आप यहाँ डायरेक्ट 0.2 में 0.4 ऐड कर दीजिए 0.6 ही मिलेगा, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 0.6। अब इसमें फिर से 0.04 ऐड कर लीजिए तो कितना आएगा 0.10। फिर से आप 0.04 ऐड कर लीजिए तो 0.14 आ जाएगा, और फिर से आप इसमें ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0.18 मिलेगा, और इसके बाद फिर से आप इसमें 0.4 ऐड कर लीजिए तो आपको मिलेगा 0.22। आप देख भी सकते हो कि 20 और 24 को जब ऐड करेंगे तो 44 आएगा, मींस 0.44 आएगा। 0.44 का हाफ करेंगे, 44 का हाफ करेंगे 22 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप ऐसे भी पता कर सकते हैं। समझ में आ गया मैंने क्या बताया, ये फर्स्ट क्लास साइज जो आपने निकाला था, XI निकाला था, इसमें आप इसको ऐड करते जाइए और यहाँ पे लिखते जाइए, एडिशन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और अगर थोड़ा सा कोई भी क्लास इंटरवल आप ऐड करके चेक भी कर लें एक बार कि आप जो लिख रहे हैं वो सही हो रहा है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है एडिशन में आप कहीं गलती कर लें, तो अगर कहीं गलती हो रही है तो आप एक बार इसको प्लस करके हाफ करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी, अगर आपका सही है तो। आफ्टर दैट डियर वी विल फाइंड हियर एज्यूमिंग मीन, एज्यूमिंग मीन हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो देखिए एज्यूमिंग मीन आपका मिडिल टर्म होता है, तो आप देखो यहाँ पे ये आपके कितने टर्म है 3, और ये भी कितने टर्म है 3, तो मिडिल में तो कोई मिल नहीं रहा है, तो आप मिडिल टर्म ये भी ले सकते हैं और मिडिल टर्म ये भी, दो मिडिल में मिल रहे हैं ये, तो इन दोनों मिडिल में से कोई भी एक मिडिल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो विच यू वॉन्ट टू सेलेक्ट, चलिए 0.14 को सिलेक्ट करते हैं, चूँकि ये बड़ा नंबर है, छोटा लेंगे तो फिर कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, तो हम बड़ा नंबर हमेशा सेलेक्ट करेंगे। सो वी विल सेलेक्ट, इट इज 0.14, जिसको सेलेक्ट करेंगे उसी के सामने लिखना है, ठीक है। अब UI आप कैसे फाइंड करोगे, UI इक्वल टू DI अपॉन H होता है, और DI कैसे फाइंड किया जाता है, XI माइनस A, मतलब इसमें से जो आपको ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू इसमें से आप इसको माइनस करके यहाँ लिखना है, इसी तरह इसको माइनस करके यहाँ लिखना है।
ध्यान समझना क्या मैं बता रहा हूँ, इसमें से इस चीज़ को माइनस करना है, ये चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर बड़ा है तो नेगेटिव वैल्यूज यहाँ आएंगी, और इसी तरह से यहाँ भी वही काम करना है, इसमें से इसको माइनस करके यहाँ लिखेंगे। लेकिन और फिर दूसरा चीज़ हमने यहाँ पे क्या लिखा है, डिवाइड बाई एच, इसको डिवाइड कर देंगे जो भी आएगा। तो हम आपको सिंपल मेथड बताते हैं कि आपको करना क्या है। यू विल राइट हियर जीरो जस्ट हियर, कुछ नहीं करना है कि क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या ऐड करेंगे, ये सब कुछ नहीं लिखना है आपको, सिर्फ आप यहाँ जीरो लिखिए इसके सामने जो आपने एज्यूमिंग मीन लिया है, और जीरो के ऊपर आप माइनस वन लिखेंगे, उसके बाद माइनस टू लिखेंगे, और उसके बाद माइनस थ्री लिखेंगे। ठीक है, तो आपने ये नंबर ले लिए। इसके बाद आप देखेंगे कि इसके बिलो में वही चीज़ आप पॉजिटिव में लिखेंगे, वन और टू। तो आपने यहाँ पे लिखा वन और यहाँ पे लिख दिया टू, इसके बाद कोई नंबर ही नहीं, अगर होता तो थ्री लिखते, लेकिन यहाँ है नहीं तो आप इतना ही लिख देंगे। बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे आप ये वैल्यू लिखेंगे, और ये वैल्यू आप हर क्वेश्चन में लिखेंगे। ठीक है, टेबल में आप यू आई इक्वल टू डी आई अपॉन एच लिख देंगे, ये चीज़ आप यहाँ पे लिख देंगे, और सीधा क्लास जो आपने एज्यूमिंग मीन माना है वहाँ जीरो लिखेंगे, और जीरो के टॉप में माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, और जीरो के बिलो में वन टू पॉजिटिव वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एफ आई इंटू यू आई फाइंड करना है। तो एफ आई इंटू यू आई आप कैसे फाइंड करोगे, चलिए आइए वो भी देखते हैं। एफ आई आपका ये वैल्यू है और यू आई आपका ये वैल्यू हो गया, इनका मल्टीप्लीकेशन करके आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फोर थ्री जा ट्वेल्व होता है, तो माइनस है तो माइनस में ट्वेल्व आप लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में आप देखिएगा नाइन टू जा कितना होता है, माइनस एटीन, तो वो माइनस एटीन लिख दिया, और इसके बाद नाइन वन जा कितना होता है, माइनस नाइन, तो आप यहाँ पे जीरो नाइन लिख सकते हो या नाइन ही लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। और टू जीरो जा जीरो ही होता है, तो आप यहाँ पे जीरो जीरो लिख दीजिए, और फोर बन जा फोर होता है तो यहाँ प्लस का जीरो फोर लिख दिया, और टू टू जा फोर होता है तो आपने यहाँ भी जीरो फोर लिख दिया, या फोर ही लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, डबल डिजिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो आपको सुविधा के लिए लिख लिया है। अब आप देखिए इसका एडिशन कितना हो रहा है, नेगेटिव नंबर को आप अलग ऐड कीजिए और पॉजिटिव नंबर को आप अलग ऐड करेंगे। तो देखो नेगेटिव नंबर आपका कितना है, ये है नेगेटिव, और पॉजिटिव नंबर आपका ये है। दूसरा चीज़ आपको इसका टोटल सम चाहिए, तो आप कैसे भी कर सकते हो, ध्यान दीजिए मैं आपको बताता हूँ, ये आपका कितना है बताइए, फोर और फोर कितना हो जाएगा, एट होगा, एट कैसा नंबर है, पॉजिटिव, तो आप देखो नाइन में से एट को माइनस कर दो तो क्या मिलेगा, माइनस वन मिलेगा ना, माइनस वन ये हुआ, माइनस एटीन ये है, माइनस ट्वेल्व ये, टोटल बताओ एटीन और ट्वेल्व कितना होता है, थर्टी, थर्टी में और ये माइनस वन और यहाँ बचा हुआ था, तो आप यहाँ पे लिखेंगे थर्टी वन हो गया। आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, और अगर आप चाहें कि इसका अलग प्लस लिखेंगे तो आप वो भी लिख सकते हो, यहाँ पे देखेंगे ये कितना हो जाएगा, थर्टी माइनस का थर्टी नाइन, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का जीरो एट, इन दोनों को सॉल्व करिए तो भी आपका यहाँ पे कितना आएगा, सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू कितना है, माइनस थर्टी वन, और सिग्मा एफ आई आपको पहले से गिवन ही है, अगर नहीं भी होता तो आप इसका वैल्यू फाइंड कर लेते। तो ये आपका कितना है, सिग्मा एफ आई इक्वल टू थर्टी, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, अगर नहीं दिया होता तो आप इसका सम प्लस करके यहाँ पे फाइंड कर लेते, इसको टोटल प्लस करेंगे तो थर्टी ही आएगा। ओके डियर, तो ए का वैल्यू ये हो गया, सिग्मा एफ आई यू आई का वैल्यू ये हो गया, और सिग्मा एफ आई का वैल्यू ये हो गया, एच आपको पता ही है 0.4 अभी यहाँ ऊपर लिखा था टॉप में, तो फॉर्मूला भी आप पुट कर दीजिए। देखिए फॉर्मूला क्या है, एक्स वार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, ये है ना, तो ये वैल्यू अब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके डियर, सो सिंस पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए, सिंस सिग्मा एफ आई इक्वल टू थर्टी कॉमा सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू माइनस थर्टी वन, एच इक्वल टू
0.04, this is class size, and A equal to which you assume, that is assuming means 0.14, ये सभी values आप put कर दीजिए. तो since you know that formula of the mean age XR equal to A plus sigma Fi Ui divide by sigma Fi equal to A means 0.14 plus sigma Fi Ui means minus 31 and divide by यहाँ पे वैल्यू एफ आई ए यू आई का वैल्यू कितना है, ये 30. सो 30 एंड यू विल राइट दिस जस्ट इन टू द अंडर ब्रैकेट, नेगेटिव वैल्यू है, इन टू एच, एच मीन्स 0.04. ओके, तो यहाँ भी देखिए फॉर्मूले में एच यहाँ पे छूटा हुआ है, एच यहाँ भी लिखेंगे इन टू एच, और इसके साथ यहाँ भी आपका फॉर्मूले में देखिए एच नहीं लिखा हुआ है, तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे H into H, H इज मीन्स क्लास साइज. तो अब आप ये वैल्यू यहाँ सभी पुट कर लीजिए, सो व्हाट यू विल गेट जस्ट नाउ, यू कैन सी दैट दिस एज एक्स वार इक्वल टू 0.14, अभी तो सेम टू सेम ही रहेगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. देखो प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन ये कितना आएगा, माइनस आएगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस 31 अपॉन 30 इंटू एच, एच मीन्स 0.04. तो आप देखो यहाँ पे कितना आने वाला है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा, कैलकुलेट करके देखिए, 0.14 प्लस ये आपका, सॉरी माइनस है ना, तो माइनस ही रहेगा, माइनस 0.041. ठीक है, क्योंकि आप देखिए 30 को डिवाइड करेंगे तो 1 point something आएगा. ठीक है, 1 point something के बाद आप चाहो तो डिवाइड करके देख भी सकते हो, कैलकुलेशन है ये, आपको करनी ही करनी होगी. तो देखिए यहाँ पे 31 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 31 बन जा 30, और यहाँ पे माइनस तो 1 आया, डिवाइड नहीं हो सकेगा, तो आप यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो भी नहीं हो सकेगा, एक और 0 बढ़ा लेंगे तो 100, और 33 जा कितना होता है 90, तो आपने यहाँ पे 3 जा और 90 लिखा, यहाँ पे कितना आया 1 और 100 हो गया, तो ये आपका कंटिन्यू चलता रहेगा. तो यहाँ पे ये वैल्यू आपकी हो गई 33 कंटिन्यू आएगा. अब आप इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 1.03 को मल्टीप्लाई कीजिए 0.04 से, तो कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12 और 4 बन जा 4. ठीक है, तो ये आपका हो गया. और डेसिमल के डिजिट काउंट करो कितने हैं, डेसिमल के डिजिट आप देखो ये 1 2 3 4, तो 4 डिजिट आप यहाँ को मार्क करेंगे, यहाँ तो 3 डिजिट ही है, तो एक 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पे आपका ये इस तरह से आ जाएगा 0.41. तो 2 भी आ रहा है, 2 हमने हटा दिया, तो ये वैल्यू हो गया. अब आप देखो इसका आंसर क्या आने वाला है. येस ऑफ कोर्स यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इसको माइनस भी करना है, तो ये भी आपका रफ वर्क है. तो देखिए कैसे करोगे, 0.14 और माइनस में यहाँ पे है 0.041. तो आप देखो यहाँ पे 0 पहले एक्सटेंड करना पड़ेगा, डेसिमल के बाद 0 मीनिंगलेस होता है, तो 0-1 मीन्स 10-1 मीन्स 9, यहाँ पे 3 बचेगा, तो 3 में से आप 4 को माइनस नहीं करो कर पाओगे, तो यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, तो यहाँ 13 हो जाएगा, 13 में से ये फिर से 9 आएगा, 4 माइनस करेंगे और यहाँ 0 आपका हो जाएगा और ये 0 ही रहेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.099. ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा. तो फाइनली आप लिखोगे इसका आंसर, दैट इज मीन कंसंट्रेशन, देयरफॉर मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इक्वल टू इन एयर
इज 0.099 ppm. ये आपका यूनिट है तो वो यूनिट लिख देंगे और फाइनली आपका ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो उसका हम मीन फाइंड कर सकते हैं. ये प्रोसेस है और ये प्रोसेस हर क्वेश्चन में आप यूज करेंगे, ठीक है. और ये शॉर्टकट प्रोसेस है तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे. ये वैल्यू आप हर क्वेश्चन में बिना सोचे समझे, बिना सब्ट्रैक्ट किए, बिना डिवाइड किए आराम से लिख सकते हो, ठीक है. बस ध्यान ये रखना है कि एज्यूमिंग मीन आपने क्या लिया, उसके सामने जीरो लिखना है, उसके टॉप में नेगेटिव वैल्यूज लिखना है 1, 2, 3 सीरियल से, और उसके बिलो में पॉजिटिव वैल्यू लिखना है वो भी सीरियल से 1, 2, 3 जितने भी वैल्यूज हैं, और उसके बाद आप FI और UI को मल्टीप्लाई करके फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो आपको मीन मिल जाएगा. सो डियर, नाउ डियर, हियर वी विल फाइंड द स्टैटिस्टिक्स. दिस इज द चैप्टर नंबर 14 एंड हियर इज द मेथड हाउ टू फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा. किसी भी डेटा का मोड कैसे फाइंड करेंगे, आइए वो सीखते हैं आज के इस वीडियो में. सो द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ ए विलेज. फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज. सो क्लियर हिट, हियर इज द क्वेश्चन. फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर मीन्स वी विल फाइंड हियर मोड ऑफ द गिविन दिस डेटा. Okay, so data is given, just you see on the screen, that is expenditure 1000 to 1500. This is the expenditure of 24 families, and 1500 to 2000, this is the expenditure of 40 families, and similarly other last one is given, that 4500 to 5000, this is the expenditure of 7 families. So how can you find the modal expenditure on this families, dear? So it is given that you know the formula for mode. Mode equal to L plus F1 minus F0 divide by 2F1 minus F0 minus F2 into H. So this is the formula to find the mode of the any given data. But dear, what is the L? L is the lower limit of the modal class. Keep in your mind, L is the lower limit. ये होते हैं सभी, लेकिन modal class कौन सा होगा वो हमें find करना होगा. तो these are all lower limit and these are the upper limit which you see here. So dear, L is the lower limit of the modal class. F1, this is the frequency of the modal class. F0, this is the frequency of the class preceding the modal class. ये जो frequency है ये modal class से पहले जो भी दिया होगा वो frequency होगी. और इसके बाद में F2 क्या होगा, F2 this is the frequency of the class succeeding of the modal class. मीन्स जो भी मॉडल क्लास आप फाइंड करेंगे उसके बाद में की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी F2 होगी. एंड H, दिस इज द क्लास साइज ऑफ द गिवन डेटा. क्लास साइज कैसे फाइंड करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो यहाँ पे क्लास साइज कितना है, कोई भी माइनस करके देखेंगे 500. सो हियर इज द क्लास साइज इज 500. ओके डियर, सो हाउ कैन यू सॉल्व, हाउ कैन यू राइट, हाउ कैन यू फाइंड द monthly modal expenditure for this data. So first of all we will observe here. हम क्या करेंगे अपनी कॉपी में, सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेगा. अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी कॉपी में इस तरह का एक टेबल बना लेंगे. इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी. So first of all you will write here the given data, just you see on in the question. तो आपने देखा था कि यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ था उसमें आपको एक्सपेंडिचर जो दिया था वो 1000 से स्टार्ट था. तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1000 to 1500 से फिर कितना था, 500 का ही डिफरेंस है. तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2500 टू
3000, 3000 से कहां तक जाना है, 3500, 3500 टू 4000, और 4000 से आप स्टार्ट करेंगे तो ये 4500, और 4500 टू 5000. सो दिस इज द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज. ओके, नाउ फ्रीक्वेंसी यू विल राइट, जस्ट गिवन दैट इज द नंबर ऑफ फैमिलीज. इट इज गिवन दैट 24, तो आप यहां पे 24 पहले लिख लेंगे, एंड देन 40, दिस इज द सेकेंड नंबर, एंड थर्ड नंबर इज 33. आफ्टर दैट 41 इज 28. आप अपने क्वेश्चन में देख सकेंगे, ये आपकी वही एक्सपेंडिचर जो मैं लिख रहा हूँ, फॉर ये आपका 24 था और ये 40 था, 33 मैंने लिख लिया, 28. आफ्टर दैट व्हाट इज रिक्वायरमेंट, 30 एंड 22 16 एंड 7. तो ये चीज भी हम यहाँ पे लिखेंगे. सो डियर, फॉर नेक्स्ट इज 30, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 30. आफ्टर दैट 22, नाउ 16, एंड लास्ट वन इज 7. सो डियर, हियर इज फर्स्ट वन रिक्वायरमेंट इज द मॉडल क्लास. हाउ कैन यू फाइंड द मॉडल क्लास? यू विल ऑब्जर्व द फ्रीक्वेंसी, दैट इज द नंबर ऑफ फैमिलीज, विच नंबर इज द हाइएस्ट, 7, 16, 22, 30, 28, 33, 40 एंड 24. इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सो यू कैन ऑब्जर्व दैट दिस 40 इज द हाइएस्ट नंबर. सो डियर, दिस इज द मॉडल क्लास. जो भी हाइएस्ट होगा वही आपके डेटा का मॉडल क्लास होगा. तो यहाँ पे आपका जो हाइएस्ट नंबर है वो 40 है, तो 40 के सामने जो क्लास इंटरवल लिखा होगा, दैट इज द मॉडल क्लास. अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो आपने अभी बॉक्स ये बनाया है, इसमें ये आपकी क्या हो जाएगी, F1, और इसके ठीक ऊपर जो इससे पहले है फ्रीक्वेंसी, वो आपकी हो जाएगी F0, और इसके बाद में जो आपकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है 33, वो आपकी हो जाएगी F2. आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ. दिस इज 24, दिस इज द F0, एंड 33, दिस इज द फ्रीक्वेंसी F2. ओके, एंड व्हाट इज द क्लास साइज? क्लास साइज ऑफ दिस क्लास इंटरवल, आप किसी भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस फाइंड करेंगे. तो आप देखो, मैंने फर्स्ट क्लास इंटरवल का ही डिफरेंस फाइंड कर लिया, 1500 माइनस 1000, दिस इज हाउ मच, 500. सो द क्लास साइज ऑफ दिस डेटा इज 500. आप कहीं से भी माइनस करके फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो अब आप ये सारी चीजें, आपका फॉर्मूला आपको पता ही है, तो वो फॉर्मूला आप सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे. क्या लिखेंगे? सिंस हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 40, देयरफोर मॉडल क्लास ऑफ द गिवन डेटा, दिस इज 1000 to 1500. ये आपका मॉडल क्लास जो होगा सेकेंड नंबर का, ना सेकेंड नंबर में आपका 1000 नहीं था, 1500 था, 1500 to 2000, ये आपका मॉडल क्लास होगा. ठीक है, और यहाँ पे F1 का सबसे पहले F0 का वैल्यू लिखेंगे. F0 जो F1 से पहले, 40 से पहले जो आपकी फ्रीक्वेंसी थी, दिस इज 24, तो आप यहाँ पे 24 लिख लेंगे F0 का वैल्यू.
और F1 जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी था, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 40, तो 40 हो गया। F2 40 के जस्ट बिलो जो फ्रीक्वेंसी दे रखी थी वो आपकी F2 हो जाएगी, F2 इज 33। और यहाँ पे सबसे पहले लोअर लिमिट, लोअर लिमिट जो आप देखेंगे क्लास, जो मॉडल क्लास है उस मॉडल क्लास में जो लोअर लिमिट होगी वो L1 होगी। तो यहाँ L1 आपका कितना होगा, 1500, और H आप पहले ही पता कर चुके हैं, दिस इज 500। नाउ यू विल पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। सो डियर यू नो दैट द फॉर्मूला ऑफ मोड, दैट इज मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड होल मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज H। नाउ यू पुट ऑल द वैल्यूज हियर, सो यू विल गेट मोड इक्वल टू, दिस इज लोअर लिमिट 1500 प्लस F1, दिस इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सो यू विल पुट हियर 40, एंड माइनस F0, दिस इज 24, एंड होल डिवाइड बाई 2 इंटू 40, F1 की जगह आप 40 लिखेंगे तो 2 इंटू 40 माइनस F0 इज 24 माइनस F2 इज 33 एंड क्लास साइज दिस इज 500, सो यू विल मल्टीप्लाइड इट बाय 500। ओके, नाउ ऑन सिंप्लीफाइंग इट यू विल गेट 1500, दिस इज सेम टू सेम, प्लस 40 माइनस 24, दिस इज हाउ मच, 40 माइनस 24 दिस इज 16, एंड 242 जा कितना होता है 80 माइनस, यहाँ पे देखिए दोनों नेगेटिव वैल्यू हैं तो आप प्लस करेंगे लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, ये हो जाएगा 57 एंड मल्टीप्लाइड बाय 500। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मल्टीप्लाई इट, सो 16 फाइव जा कितना होता है 80, और आपके दो जीरो भी हैं तो 8000 हो जाएगा, एंड 80 माइनस 57 दिस इज 23, तो आप 23 यहाँ लिखेंगे। अब इसके बाद सिंप्लीफाई इसको करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, यू विल डिवाइड 8000 बाय 23, तो 23 3 जा कितना होता है 69, माइनस करेंगे तो 10 माइनस 9 मीन्स 1, और इधर आपका हो जाएगा 7 माइनस 6 मीन्स 1, 0 नीचे लाएंगे तो आपका हो जाएगा 110। ओके, आफ्टर दैट 23 4 जा कितना होता है 92। तो यहाँ पे 10 माइनस 2 कितना हुआ 8, और इधर भी 10 ही होगा, 10 माइनस 9 मीन्स 1 हो जाएगा, आप नेक्स्ट जीरो लेंगे तो 180 हो जाएगा, 180 को आप 23 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज डिवाइड बाय 7, 7 थ्री जा 12, 7 थ्री जा 21, ओके, एंड 7 टू जा 14 एंड 2 16, माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 9, और इधर 7 माइनस 6 1 19। अब आप इसे डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे जीरो एक्सटेंड करेंगे, ये जीरो आप नीचे लाएंगे तो 190 होगा, तो एक बार फिर से ये 7 टाइम्स ही डिवाइड होगा, ठीक है ना, तो आप इसे 7 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 161, और इसके बाद यहाँ पे जब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये 8 टाइम्स ही हो जाएगा, लेट अस इट इज 8। ओके, सो डियर द आंसर ऑफ द सिंप्लीफाइंग अबव इज, दिस इज 347.8। सो डियर व्हाट इज द रिजल्ट,
0.8 यू विल राइट सेम टू सेम, एंड 7 प्लस 0 इसको आप प्लस करेंगे, आप देखिएगा तो ये 0 और 7 7 आएगा, 0 और 4 4 ही आएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8. सो डियर यू विल राइट हियर 7 4 8 एंड 1. सो दिस इज द एक्सपेंडिचर इन रुपीज. सो द मंथली मॉडल एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज आर 1847.8. सो फाइनली यू विल राइट रिक्वायर्ड, देयरफॉर रिक्वायर्ड मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर जो आपसे पूछा गया था, मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर दिस इज रुपीज 1847.8. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो डियर तो दोस्तों हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए.